ओम नमः शिवाय। सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा किसके पीछे भागते हैं। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा काम करता है या बड़े से बड़ा काम करता है, वो बस एक ही चीज़ पाने के लिए अपना काम करता है। आप सोच सकते हो किसी व्यक्ति के मन में चल रहा होगा कि वो होगा धन, मगर नहीं। सबसे ज़्यादा इंसान अपने नाम के लिए सभी कार्य करता है, चाहे वह छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना बेच छोटे से छोटा कार्य क्यों ना करता हो, तो भी वह व्यक्ति अपने नाम के लिए ही सभी कार्य करता है कि मेरा नाम हो, सभी व्यक्ति मुझे जानते हों। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना काम हो, चाहे जितना मर्जी छोटा काम क्यों ना हो, वह व्यक्ति चाहता है कि बस मेरा नाम हो, सभी मुझे जानते हों। जब तक उसे कोई नहीं जानता तो उसको बुरा लगता है, सभी को बुरा लगता है कि आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि हमारा नाम हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नाम द्वारा वशीकरण कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, नाम द्वारा वशीकरण कैसे करें, तो आइए देखते हैं नाम द्वारा वशीकरण कैसे करते हैं। तो आपको चाहिए इसके अंदर सबसे पहले एक पेपर, वो भी पीले कलर का, और एक मार्कर। आप मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं। और ध्यान रहे, अगर आप किसी कागज़ के ऊपर नाम लिख रहे हैं उस व्यक्ति का, तो वो उसका कलर वाइट नहीं होना चाहिए, उसका कलर येलो ही होना चाहिए, पीला ही होना चाहिए। अगर पीला नहीं मिलता तो आप रेड कलर के कागज़ के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, ये जितना हो सके आप मोटा मोटा लिखना है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, इस 1, 2, 3 ये मैंने इसलिए लिखा है, ये है व्यक्ति का नाम। इस 1, 2 की जगह आपने लिखना है उस व्यक्ति का नाम। और उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस कागज़ को इस तरह मोड़ेंगे जैसे पूरा ये इस तरह मोड़ के ये पूरा मुड़ गया। ये देखिए जैसे ये बन गया, इसको हमने क्या करना है, अपनी मुट्ठी में लेना है, मुट्ठी बंद करके 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है, 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है। बिल्कुल सीधी कमर करनी है आपने, जब उस व्यक्ति का नाम लेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जब आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो आपने बिल्कुल जैसे हम योगा करते हैं उस सीधी अवस्था में हमने बैठना है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं बिल्कुल सीधी अवस्था में, और 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे। 21 बार व्यक्ति का नाम लेने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र है, ओम नमो आदि पुरुषाय अमुकस्य आकरण कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलेंगे। 108 बार बोलने के बाद उसके बाद आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसका ध्यान करना है, सच्चे मन से ध्यान करना है बिल्कुल, कि वो आपको ऐसे लगना चाहिए कि वो आपके पास आ जाए। अपनी आंखें बंद करके पूरे मंत्र को बोलना है 108 बार। और आप ध्यान रहे, आप योगा अवस्था में बैठे होने चाहिए, और आपका हाथ जब तक नहीं खुलेगा जब तक आप उस मंत्र का 108 बार जाप ना कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस व्यक्ति का 3 बार नाम लेना है,
और आपने उसके बाद 3 बार नाम लेने के बाद बोला है कि अगर आप जो चाहते हो, आपके मन की जो इच्छा है, या कोई आपका दोस्त आपसे दूर चला गया है उसको मनाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए और वो मेरा मित्र वो वापिस आ जाए, या आप चाहते हो कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे प्यार करने लगे, आपसे बहुत ही आपके करीब आ जाए। आपके मंत्र जाप करने से, ये वशीकरण करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके बिल्कुल पास है, बिल्कुल ही नज़दीक बैठे हुए हैं या बैठा हुआ है। और इस मंत्र को कोई भी साधक या साध्वी कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे, जब भी आप इस वशीकरण को या इस मंत्र को कर रहे होंगे, इसमें बिल्कुल भी बाधाएं नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और साथ ही साथ अगर आप जब ये सब कर रहे होंगे, तो आपके पास बिल्कुल भी एक व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। आप तो अगर अकेले होंगे तो ही ये वशीकरण पूरा होता है। ये वशीकरण टोटका काम करता है। अगर अगर आपके साथ कोई होगा तो ये टोटका काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वशीकरण समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साधक साध्वी का भला हो सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी वीडियो होती है, उस वीडियो को कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी का ही भला हो। क्योंकि ये वीडियो भला करने के ही लिए डाली जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को बुरा हो। अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो वशीकरण की देखनी हो, तो आप हमारा लाइव दुर्लभ सामग्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।